हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर HP JBEE DELED की काउंसलिंग की डेट कब आएगी, सर काउंसलिंग कब किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस कल ही जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था HPBOSC हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो काउंसलिंग की जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। 17 से 18 अगस्त का डेट दिया गया है जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड ये जो काउंसलिंग है फ्रेंड्स वो 17 और 18 अगस्त को जो है आपका जो सेंटर है धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो है आप रेडी हो जाएं। एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है एंड बायोडाटा में आपको क्या फील करना है वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये जो काउंसलिंग की जो डेट जारी की गई है फ्रेंड्स, ये ओनली जो है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का है, जो बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो उन्हीं के लिए है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 12 अगस्त को जारी कर दिया गया है ये। तो अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2021-2023 डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2021 की जो जनरल स्पोर्ट, SC स्पोर्ट, ST स्पोर्ट्स, OBC स्पोर्ट्स कैटेगरी की काउंसलिंग की जो डेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 17 अगस्त से 18 अगस्त को वार्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें फ्रेंड्स 110 अभ्यर्थी पाए गए हैं जिसकी तिथिवार सूची निम्नलिखित है। तो ये सभी आप देख सकते हैं रोल नंबर, एंड ये रोल नंबर वाइज जो है स्टूडेंट को जाना है। तो जिन बच्चों का रोल नंबर कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है उन स्टूडेंट को जो है 17 अगस्त को जाना है काउंसलिंग के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एंड उन्हें मार्क्स के साथ जाना है पूरा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 अगस्त की जो रोल नंबर वाइज दिया गया है जिन स्टूडेंट को जाना है धर्मशाला में अपनी काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। एंड इसके बाद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को यह निर्देश भी दिए जाते हैं कि वह बायोडाटा फॉर्म भरकर अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, कैटेगरी उप कैटेगरी प्रमाण पत्र और स्पोर्ट्स नेशनल एंड अभाव से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों के साथ उक्त के स्थापित छात्र प्रति या भी साथ लगाएं। तो फ्रेंड्स आपके जितने भी आपके पास जो है स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सभी बायोडाटा में फिल करना है। तो चलिए हम बायोडाटा पे चलेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो DELED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के परीक्षा के परिणामों से संबंधित जानकारी के लिए बोर्ड वेबसाइट HPOBOSC पर जाकर देख सकते हैं। DELED CET 2021 सत्र में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रक्रिया काउंसलिंग की तिथि स्पोर्ट्स काउंसलिंग के उपरांत अलग से बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि CET 2020 सत्र में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रक्रिया काउंसलिंग की तिथि स्पोर्ट्स काउंसलिंग के बाद। तो जनरल और जो काउंसलिंग जो की जाएगी फ्रेंड्स जनरल वालों के लिए, SC ST वालों के लिए, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करते हैं उनकी भी जो है वो HPBOSC जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जारी कर दिया जाएगा, बट मैं अपने चैनल पे ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एंड यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा के परिणाम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम बायोडाटा ही देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनुभाग अधिकारी कंप्यूटर सेल एंड डाटा सेंटर को इस आशय प्रेषित की सूचना बायोडाटा फॉर्म और पात्र परीक्षार्थियों की सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के बारे में कार्रवाई करें। तो चलिए हम वहाँ पर चलते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायोडाटा फॉर्म में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फील करना है वो सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है बायोडाटा में। तो परफॉर्मा फॉर काउंसलिंग ऑफ DELED CET 2021 फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कैटेगरी पर्सन हेल्ड इन HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ऑन डेट 17 से 18 अगस्त। तो यहाँ पर जो है आपको फ्रेंड्स आपने जो CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो दिया था DELED की वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका क्या नाम है, जो रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड में जो नेम है वही आपको फिल करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट टू विच बिलोंग जहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड वो सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अटैच करना है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द वार्ड जिस आपने मैट्रिक जिस वार्ड से पास किया है, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं टोटल आपको लिखना है, परसेंटेज लिखना है यहाँ पर फ्रेंड्स,
एंड फ्रेंड्स आपके उसके बाद आपको 12th क्लास की जो है डिटेल लिखनी है, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेल्ड स्पोर्ट्स गेम्स विद अटेस्टेड कॉपी। तो यहाँ पर आपने नेशनल लेवल पे जितने भी गेम्स पार्टिसिपेट किए हैं एंड जितने भी आपके पास जो है सर्टिफिकेट है वो सभी यहाँ पर अटैच करना है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जो भी आपके पास। एंड उसके बाद फ्रेंड्स नंबर ऑफ मेडल इफ़ एनी ऑब्टेन इन स्पोर्ट्स, जितने भी आपने अभी तक स्पोर्ट्स में मेडल आपने जीते हैं नेशनल लेवल पे, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेशनल लेवल पे जो भी आपने मेडल जीते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड उसके बाद आपको फ्रेंड्स स्टेट लेवल पे, तो यहाँ पर उसके बाद आपको साइन करना है अपने, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद जो है आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जैसे ही फ्रेंड्स जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए जो काउंसलिंग की डेट जारी की जाती है वैसे ही मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, अपने चैनल पे ही वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।